नमस्कार. 5 मिनट पहले आज हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे क्योंकि सब लोग यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब इतनी पंक्चुअलिटी फॉलो की जाती है. तो आप सबकी इजाज़त हो तो हम 5 मिनट पहले आज अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं. नमस्कार. लफ्ज़ की आज की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है. लफ्ज़ प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक अनूठा प्रयास है उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए. इस प्रयास में हमारा साथ दिया है रेखता फाउंडेशन ने. एहसास विमेन ऑफ जयपुर इस सीरीज़ के सहभागी हैं और सुधीर माथुर संस्थान इस श्रृंखला के सहयोगी हैं. होटल हिल्टन जयपुर इस सीरीज़ के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हैं. आप मैं आमंत्रित करना चाहूँगी होटल हिल्टन से मिस्टर गौरव को कि वो आकर अपने वेलकम रिमार्क्स दें. गुड इवनिंग, आदाब, नमस्ते. सबसे पहले हिल्टन जयपुर की तरफ से मैं स्वागत और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आदरणीय प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब का, जिन्होंने हिल्टन होटल की आज रौनक बढ़ा दी. शुक्रिया अदा प्रभा खेतान फाउंडेशन, रेखता, एहसास वुमेन ऑफ जयपुर, सुधीर माथुर संस्था, जिन्होंने उर्दू, फारसी और अरबी को एक नया मंच दिया और हिल्टन जयपुर को जुड़ने का मौका दिया. हमें फ़ख्र है कि हम इस पहल का हिस्सा हैं और हम ऐसे हर नए अवसर से जुड़ना चाहेंगे जो गुलाबी शहर को, हमारे गुलाबी शहर को एक नई दिशा देती है. शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. थैंक यू. धन्यवाद गौरव. इससे पहले कि मैं आज के हमारे गेस्ट ऑथर का इंट्रोडक्शन दूं, मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी कि हालांकि अभी रिसेंटली 21 अगस्त को प्रभा खेतान फाउंडेशन ने 500 लिटरेरी सेशंस का कंप्लीशन किया, तो ये अपने आप में एक अलग मिसाल है. 28 शहरों में इंक्लूडिंग बर्मिंगम, लंदन और ऑक्सफर्ड प्रभा खेतान फाउंडेशन की शाखाएं हैं. आज के हमारे गेस्ट ऑथर हैं प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब. प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब का जन्म 1942 में उज्जैन में हुआ. इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य तथा उर्दू साहित्य में एमए की शिक्षा प्राप्त की. आप पिछले 40-45 वर्षों से साहित्य से जुड़े हुए हैं और अब तक आपकी 31 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं. उर्दू में नई थ्योरी का परिचय कराने वालों में इनका नाम शुमार होता है. प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब एक नाटककार और जाने माने आलोचक भी हैं. आपको कई पुरस्कार मिल चुके हैं आज तक. 2 का अभी एक मेंशन करना चाहूँगी. रिसेंटली 2014 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा इकबाल सम्मान आपको मिला और 2018 में वेरी पॉपुलर उर्दू अकादमी द्वारा भी आपको पुरस्कार से नवाजा गया. स्वागत है आपका आज जयपुर में. आपसे बात करेंगे आदिल रसा मंजूरी साहब. आदिल साहब के बारे में हम सब जानते हैं, जब से लफ्ज़ का आगाज़ हुआ आप हमारे गेस्ट हमेशा बनकर आए हैं. आज आप बात करेंगे प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब से. आप एक जाने माने शायर, लेखक एवं आलोचक हैं. आप एक एडिटर भी हैं. स्वागत है आप सभी का. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अपना साहिब. हेलो मोजिस खवातीन हजरात, आदाब. मैं सबसे पहले तो अहले जयपुर की जानिब से डॉक्टर अतीकुल्ला साहब का खैर मकदम करता हूँ. अतीकुल्ला साहब के बारे में जो अपरा साहिबा ने कहा, बात सिर्फ इतनी भर नहीं.
किसी तख्लीककार का तनकीद की तरफ आना या किसी नक्काद का तख्लीक की तरफ जाना कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं। कारनामा तब होता है कि एक नक्काद नक्काद होते हुए तख्लीककार हो और तख्लीककार तख्लीककार होते हुए नक्काद हो और दोनों से असनाफ में दोनों जगह वो मुस्तनद ठहरता हो। अतीकुल्ला एक ऐसा ही नाम है जिसको सिर्फ शख्सियत कहना शायद उनके वकार को कम करना है। अतीकुल्ला साहब एक इदारा है जिस और इस इदारे का हम बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। अतीकुल्ला साहब अपना जिक्र किया जैन जैन में आपकी पैदाइश हुई। एक बहुत रसमन सा सवाल है लेकिन मैं उसे रसमन बनाना नहीं चाहता। आपका पहला शेरी मजमुआ 1971 में आया 100 गजलों के नाम से, तो जाहिर बात है आपने गजलें या तख्लीक उससे पहले शुरू की होगी। 1978 में आपकी पहली तनकीदी काविश कद्रशनासी के नाम से आई। मैं ये जानना चाहूंगा या हम सब ये जानना चाहेंगे कि वो माहौल कौन सा था जिस माहौल में आप तख्लीक की तरफ आए और वो क्या वजूहात रही, वो क्या लवाजमात रहे जिन्होंने आपको मुतासिर किया कि आप अपने अंदर की तख्लीकियत को तख्लीकी काविश को उस रुझान को पहचान पाए और उसे आवाज दे सके या उसे लफ्ज दे सके। आप तमाम हजरात का और ख्वातीन का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। ये महफिल जो इंतहाई मुख्तसर महफिल है, बहुत ही मुंतखब और सिलेक्टेड शख्सियतें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन सारी दौलत इसी हॉल में सिमट आई है। जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये चेहरे अभी मैं एक खातून मुझसे बात कर रही थी तो मैं उनको चेहरे को ही देख कर कह रहा था कि आपकी आंखें ये बता रही हैं कि आप एक राइटर हैं। तो वो तो बहरहाल तो राइटर जो है वो अपनी थोड़ी सी जुनून से पहचाना जाता है, थोड़ी सी दीवानगी से पहचाना जाता है, थोड़ी सी वो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की एबनॉर्मलिटी कह लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे आप फौरन पहचान लेते हैं कि ये कोई ना कोई लिखने वाला है और ये हमारी दुनिया का आदमी होते हुए भी थोड़ा सा एलियन है ये जी। तो हम लोग वैसे ही एलियन हैं और जब हम अपने मोहब्बत करने वालों के दरमियान होते हैं तो उस वक्त बहुत भावुक और बहुत जज्बाती हो जाते हैं और जज्बाती होकर कभी कभी लफ्ज़ भी ज़बान से अदा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब चूँकि हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे और यूनिवर्सिटी में चूँकि 40-30 बरस तक जो पढ़ाता रहा हो तो इतनी घिसाई हो जाती है कि वो जब बात करता है और हाथ में अगर बाइक आ जाए तो छोड़ने को जी नहीं चाहता उसका जी। और जो मोहब्बत करने वाले हों और जो इतने अच्छे सुनने वाले मौजूद हों तो वो सोचता है कि वक्त रुक जाए, यहीं तो ये थम जाए वक्त तो बहुत अच्छा हो और बहुत सेहतमंद महसूस करता है आदमी कुछ देर के लिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये अहले लफ्ज़ को अरबाब लफ्ज़ को कि इन्होंने इसका नाम लफ्ज़ रख कर शब्द कर का रख कर इस शब्द की जो कीमत है उसको बहुत बढ़ा दी है। हमारे इस अहद में इस कॉमर्शियल एज में लफ्ज़ सबसे ज़्यादा बेइज्जत हो रहा है, लफ्ज़ सबसे ज़्यादा बेहुर्मत हो रहा है। हर शख्स अपने तौर पर लफ्ज़ का इस्तेमाल करके उसकी इस्मत लूट रहा है, मजहब के ठेकेदार अपने तौर पर लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस अपने तौर पर लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए लफ्ज़ अगर कहीं सही मानों में बाइस्मत नज़र आता है, बाइज्जत नज़र आता है तो वो लिटरेचर में नज़र आता है। और लिटरेचर में अदीब जो है वो अदीब हमेशा हमेशा जब भी बोलेगा उसकी ज़बान से सच ही निकलेगा
और लफ्ज जो है वो सच में लिथड़ा हुआ होता है उसका, इसलिए कि लफ्ज जिस तरह से लफ्ज को हमने आम जिंदगी में इस कॉमर्शियल अहद में बेचने और खरीदने की चीज बना लिया है, लफ्ज बिक रहे हैं, नजरिया बिक रहा है, अकीदा फेथ बिक रहा है, खरीदार मौजूद हैं, ख्याल बिक रहा है और खरीदार मौजूद हैं, इसी तरह से लफ्ज जो है वो भी बिक रहा है और उसके खरीदार मौजूद हैं, जो कभी नहीं हुआ दुनिया की तारीख में कि इतना लफ्ज बेहुरमत हुआ हो, बेइज्जत हुआ हो, डिग्रेड हुआ हो। तो जब ये लफ्ज का जब मैं नाम सुना तो मुझे बेहद खुशी हुई इस बात की हुई कि ये आज के दौर में कोई लफ्ज के नाम से कोई इदारा कायम करता है और उसके साथ पीछे इतने बहुत से लोग हैं, बहुत से इदारे हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि एक हैतान फाउंडेशन भी है, रेख्ता भी है और एक सुधीर संस्था है वो भी है और बहुत दूसरे लोग हैं, एहसास है। मुझे ज़रा एहसास पर थोड़ा सा रुका मैं नाम सुनकर, क्योंकि ये मैं वीमेंस एम्पावरमेंट वगैरह के लिए जो बातें होती हैं तो उर्दू में कम से कम सबसे पहले जो फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस मैंने ही किया था और इस पर मैंने ही लिखा था पहले। जी ये बात मैं बिल्कुल आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में उर्दू की हद तक फेमिनिज्म पे अगर कोई अथॉरिटी है तो अतीकुल्ला साहब हैं। तो सबसे पहले और सबसे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी नहीं हुआ कि वहाँ के चूंकि बहुत ज़्यादा लिखने वाली ख़वातीन लेडीज हैं जो बहुत पावरफुल हैं, बहुत बागी हैं वो ख़वातीन, तो लेकिन वहाँ भी ये मूवमेंट तो चली लेकिन वहाँ भी कोई एक भी किसी भी यूनिवर्सिटी ने या किसी और इदारे ने कोई तानीसियत पर या फेमिनिज्म पर कोई सेमिनार नहीं किया था। ये हिंदुस्तान है, दिल्ली है और दिल्ली यूनिवर्सिटी है जहाँ मैंने पहली बार ख़वातीन या फेमिनाइन लिटरेचर पर, मैंने उर्दू में फेमिनाइन लिटरेचर पर मैंने पहली बार ये सेमिनार किया था और उसकी किताब भी छप चुकी है। तो ये अब ये है कि हमने तो एक चिंगारी छोड़ी थी, अब वो एक शोला बन गई है, चारों तरफ लिखा जा रहा है और काफ़ी अच्छे डायमेंशन सामने आ रहे हैं, नई नई जो आजकल थ्योरीज के साथ ये थी फेमिनिज्म की जो थ्योरी है इसमें भी किस तरह से बहुत सी तब्दीलियाँ होती जा रही हैं। तो ये चीज़ कि सिर्फ उर्दू ही नहीं, मैं तो ये देखता हूँ कि पहले से हमारे यहाँ लिखने वाले मौजूद थे, जो चाहे महादेवी वर्मा हो या इसमत चुगताई हो या रशीदा या खातून हो, ये लोग लिखते रहे हैं, ऋषि जहाँ हों ये लिखते रहे हैं, पहले ही से लिखते रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की फ़ज़ा बहुत जमहूरी फ़ज़ा है, आज़ाद फ़ज़ा है। आज तो ज़रा शक होता है लेकिन जिस तरह लोकतंत्र हमारे यहाँ का है और जिस तरह से हम लिखते आ रहे हैं उस पर जबानों में के मुँह भी जबान थी और हम लिख रहे थे, आज जबानों के मुँह में जबान नहीं है, लिखना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, सच्चाई जबान से अदा करना बंद हो गया। तो इसलिए जो तशहीर और जो एक प्रोपेगेंडा और एक जो एक का एक दौर है ये, इसमें लफ्ज़ गुम होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। इस तरह से आज लफ्ज़ अगर ये इदारा लफ्ज़ कायम है तो मैं दिल से गहरा कि दिल की गहराइयों से इसका खैर मकदम मुबारकबाद और दुआ भी करता हूँ कि ये कायम रहे और आप जैसे हजरात जो हैं इसके पीछे जो मौजूद हैं वो बहुत अच्छे बड़े बड़े जहन हैं इसके पीछे, तो वो इसे कायम रखें। ये जबानों का, उर्दू का ही नहीं, ये जबानों का मसला है, ये हमारी जबानों का, जबानों के अदब का मसला है ये, और वही लफ्ज़ कायम है तो अदब से है कायम, साहित्य से कायम है, लिटरेचर से कायम है, और वही जिंदा लफ्ज़ है जो कि लिटरेचर में इस्तेमाल होता है। आपकी किताबें, हिस्ट्री की किताबें या सोशोलॉजी की किताबें या दूसरी आपकी जितने भी और ह्यूमैनिटीज़ हैं वो सब किताबें हैं एक बार पढ़ने की, लेकिन लिटरेचर तो हर बार पढ़ने का होता है। जी जी, आप ये किताबें पढ़ने के बाद तो चली जाती हैं,
लेकिन आप अपनी शेल्फ से लिटरेचर की किताब को निकाल कर कहीं जो सवाल मैंने आपसे अर्ज किया था कि आप किस तरह से अदब की तरफ रागिब हुए जब पहले मैंने सोचा कि उससे एक फजा बंदी एक फजा बनना चाहिए और क्योंकि मेरे पास आ गया था माइक और मैं और मैं बेसिकली चूंकि मैं तो ये लेकिन मजबूरी है कि मॉनिटर बना के मुझे बिठा दिया गया तो मुझे टोकना पड़ेगा नहीं बहुत बहुत जरूरी है यार बीच में भी टोकिएगा जी 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 तो मेरा सवाल ये था कि इससे पहले तकरीबन एक डेढ़ घंटे से मगजमारी हमारी चल रही थी ये इंटरव्यू ले रहे थे और उसमें सब बातें बहुत बातें निकल आई तो वो कर रहे थे फिर इन्होंने पूछा भी कि पानी ले लीजिए चाय ले लीजिए कर दी थोड़ा सा टेंशन में अच्छी बातें होती हैं। तो मेरा सवाल यह था कि 1971 में जो आपका पहला शेरी मजमूआ आया अब उससे पहले से शेर की तरफ रागिब थे तो वो क्या माहौल था आपके घर का आपके आसपास का जिसने आपके अंदर ये रुझान पैदा किया कि आप अदब की तरफ आए या ये बिल्कुल क्योंकि मैं ये मानता हूँ बतौर शायर भी कि कोई पॉइंट ऑफ ट्रिगर नहीं होता कि जिसको दबा दिया जाए और कल सुबह आपने शेर कहना शुरू कर दिया ये एक तरबियत का काम है तो आपको आप किस तरह से इस तरफ रागिब हुए क्या माहौल था आपके आसपास का उस वक्त उज्जैन तो आपको मालूम भी है कि ये बहुत तारीखी शहर है ये भर्तरी हरि का और कालिदास का शहर है और वहाँ पे लिखने वाले आज भी हिंदी जबान में भी बहुत बड़े बड़े जो राइटर्स हैं वहाँ से निकल गए हैं तो एक फ़ज़ा तो वहाँ पर है लेकिन जहाँ तक इस जर्म का सवाल है इस जरासीम का सवाल है कि जो जिसे अदब जिसे कीड़ा कहा जाए अदब शायरी का कीड़ा ये जब कहा जाए तो ये कैसे होता है क्यों होता है कैसे आ जाता है कैसे बन जाते हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है सोचता कि पीछे की तरफ जाते हैं तो मुझे बस इतना याद है कि मेरे एक दोस्त थे 9th में जी उनके भाई शायर थे और वो कबर जैनी के नाम से मशहूर थे जी 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 तो वो एक दिन सुबह हम लोग जा रहे थे महाराजवाड़ा हमारा स्कूल तो स्कूल था हाई स्कूल तो मुझसे कहने लगे मैंने एक शेर कहा है मैं अच्छा तो उन्होंने अपना एक कुछ शेर सुनाया मुझे तो मैंने कहा बहुत अच्छा मैंने कहा मैं भी कहूँगा और मैं फिर पहुँचा और रात में मैंने दो चार शेर कह दिए वो चाहे गलत हो सरा कुछ भी हो मैंने कहे और कहने के बाद सुबह जब आया तो मैंने उनसे मुलाकात हुई स्कूल जा रहे थे तो कभी लोग भी मैंने भी शेर कह दिए तीन चार शेर तो जो उनका तीन चार शेर अच्छा सुनाओ नहीं मैं तो अपने भाईजान को बताऊंगा कि ये आपके शेर सही है कि नहीं है जी तो मैंने कहा आपका शेर जो है मैंने तो किसी भाईजान को बताया नहीं और मेरा शेर जो है भाईजान को तो अब ये हुआ कि वो जो कीड़ा उन्होंने लगाया था तो मैंने सोचा थोड़ी सी पता नहीं क्यों एक दिमाग में ये बात आई कि नहीं ये कह रहे थे कि नहीं मैं बताऊंगा भाईजान को तो मैं भी कुछ करके तो मैंने कुछ शेर वे शायरी वाली पढ़ी पढ़ के और कुछ शेर कुछ एक जहन बनाया और वो मैंने कुछ शेर वेर कहे उसके बाद फिर मैंने वो एक दिन एक गज़ल उनके कहा कि वो आपके शेर मैंने ये गज़ल कही है तो सबसे पहले उसने कहा कि चुराई होगी जी तो मैंने कहा नहीं आप चुराई आपका आपके भाईजान की बात कर रहे हैं तो उनको बता दीजिए कि अगर होगी तो बता देंगे तो कहते अच्छा तो उससे पर्चा ले लिया तो जाके उन्होंने अपने भाईजान से कहा वो पुराने शायर थे वो पुराने शायर क्या भी थे पिछली नस्ल के पिछली पीढ़ी के थे तो उन्होंने उनको बताया होगा तो उससे उन्होंने कुछ कहा होगा उससे उसने उनको ये कहा कि बुला कर लाओ अतीकुल्ला को तो मैं मुझे बुलाया उन्होंने मैं गया और जाकर उनको क्या बात है भाईजान कहे ये गजल तुमने कही है मैंने कहा जी हाँ कि तुमने नकल वकल करते हुए कुछ गलत सलत किया है इसमें ये सोच करके अगर सही होगा तो समझ लेंगे इसलिए ऐसा तो नहीं कि कुछ तुमने चुराई हुई गजलें कहते मैंने बिल्कुल नहीं चुराई अच्छा ठीक है तो फिर अगले कमरे में जाकर मैं तुम्हें एक लाइन देता हूँ मिसरा देता उस पर गजल कहो तो मैंने कहा ठीक है तो शमा रिसाला निकलता था उस जमाने में जी फिल्मी उस पर से उन्होंने एक मिसरा दिया मुझे और मैं जाकर वो गजल मैंने
غزل پوری غزل کہی اور غزل لے کر دیا تو وہ انہوں نے پڑھا اور آنکھیں یوں کہی ہاں بھئی یہ تو شاعر ہو گئے جو یہ سنا تو وہ ہمارے دوست وہاب کا چہرہ اتر گیا کیونکہ وہ ایک شعر کے بعد دوسرا شعر ہی نہیں کہہ سکے جی اس کے بعد وہ تو خاموش ہو گئے یہ بیماری کہہ لیجیے اسے یا صحت کہہ لیجیے بچرت میں چھوڑ گئے اور پھر میں باقاعدہ شعر کہنے کہنے آپ شعر کہنے لگے اور اس کے اسی سلسلے میں آپ کے چار مجموعے منظر عام پہ آئے آپ کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے میں ایک کانچ کا پرتولتا پرندہ تھا اڑان بھر نہ سکا اور چھن سے ٹوٹ گیا یہ اس وقت کی شاعری ہے جب ہندوستان کی اردو شاعری میں تجربے بہت ہو رہے تھے ایک طرف آپ تھے دوسری طرف محمد علوی تھے عادل منصوری تھے اردو جو لوگ اردو سے واقفیت رکھتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دور جدیدیت کا دور تھا قریباً لیکن جیسا کہ ابھی اپرا صاحبہ نے کہا 1977 میں معیار آیا معیار میں بہت ساری نظمیں بہت سی نئی نظمیں آئی اور ان نظموں کو ہم مانتے ہیں کہ معیار 1977 میں جو آیا وہ اردو میں ماں بعد جدیدیت کا یعنی کہ پوسٹ ماڈرنزم کا نقطۂ آغاز ہے اس نظموں کے بارے میں آپ نے ایک بہت اچھا مضمون بھی لکھا اور اس میں آپ کی نظمیں بھی شامل تھیں تو عتیق اللہ صاحب یہ کیسے ممکن ہوا کہ جس کو آپ نے پرانا شاعر کہا ابھی آپ کے دوست کے بھائی کو اور غالباً آپ مانتے بھی یہی ہیں کہ وہ پرانے شاعر تھے آپ خاصے نئے تھے اور آپ نے اس میڈیم کے ساتھ یعنی کہ زبان کے ساتھ بہت سارے تجربے کیے وہ تجربے کرتے کرتے آپ ماں باپ جدیدیت کی طرف آئے لیکن آپ کی پوری شاعری میں آج تک کہیں بھی کسی ایک خاص رجحان نہیں دیکھا جاتا اس کی کیا وجہ ہے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ میں استاد ہوں اور دونوں طرح سے استاد ہوں جسے استادی کہتے ہیں وہ استادی بھی ہے کہ جب تک کہ شاعر چالاک نہ ہو یا ادیب رائٹر چالاک نہ ہو اندر سے اس وقت تک بہت اچھی شاعری نہیں کر سکتا بہت اچھا ادب نہیں لکھ سکتا اندر سے چالاک ہوتا ضروری ہے باہر سے وہ معصوم ہے لیکن اندر سے وہ چالاک ہوتا کہ کس طرح سے میں اپنی جگہ بنا سکتا ہوں جی اس کے مائنڈ میں یہ بات رہتی ہے تو میں اس بات پہ فاروق بھائی سر ہلا رہے ہیں تو نہیں کبھی کبھی دیکھیے صحیح بات میں یہ ہے کہ کچھ تو کہیے کہ شاعری ہو یا کویتا ہو یا وہ ہو کچھ دھوکہ تو دیتی ہے جی فریب تو دیتی ہے وہ فریب کے بغیر مزہ نہیں ہے زندگی میں جی جی جب تک کہ دیکھیے جھوٹ کی ویلیو جو ہے بڑی ایسی ویلیو ہے قدر ہے جھوٹ کی کہ جس کو آپ نکار نہیں سکتے سچ کو نکار سکتے ہیں سچ کو نکار سکتے ہیں کیونکہ سچ کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ تو ہوتی ہی ہوتی ہے اور پھر اس میں سے تراشتے رہتے ہیں اور جب نہ تو سچ پوری طرح سچ ہوتا ہے نہ جھوٹ پوری طرح جھوٹ ہوتا ہے سارے جھگڑے کنٹروورسیز اسی وجہ سے ہوتی ہیں دس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بحث کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ سچ تو بھی دور سے ہنس رہی ہے سچائی اور جھوٹ ادھر ہنس رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لڑتے رہیں گے کسی نتیجے تک پہنچیں گے نہیں کیونکہ یہ ہر ایک کہے گا کہ میں سچ وہ کہے گا میں سچ تو دنیا میں سب سے غلط ترین آدمی وہی ہے جو اپنے آپ کو سب سے سچ بولنے والا کہے کہ وہ میں سچا ہوں اور میں صحیح ترین ہوں کیا بات ہے میں ہی سب سے صحیح ہوں صحیح ترین آدمی ہی غلط ترین ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں میں صحیح ہوں باپ بھی کہتا میں صحیح ہوں فلاں اسی کی وجہ سے جھگڑے صاحب ہوتے ہیں تو سب سے غلط وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے ہاں تو یہ جو آپ نے بات کہی ہے جی کہ جی میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ کی شاعری میں کوئی خاص رجحان نہیں دکھائی دیتا تو چونکہ میں استاد ہوں مجھے سب پڑھانا پڑتا ہے مجھے ساری تھیوریز پڑھانی پڑتی ہے وہ چاہے ہر دور کو پڑھانا پڑتا ہے وہ چاہے غالب کا پیریڈ ہو یا میر کا پیریڈ ہو یا آج کا ہو یا 50 سال پہلے کا ہو تو میرا موقف میری اپنی رائے یہ ہے میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے سارے جو علم ہیں نالج ہیں وہ سب ہمیں کسی نہ کسی طرح اسے ہمیں حاصل کرنا چاہیے چاہے جتنا بھی حاصل کر سکیں اس سے چمک ہمیں لینی ہر علم کے اندر ایک بڑی چمک ہے وہ ہمیں لینی چاہیے یہ سوچ کر کے نہیں ہمیں یہ مذہب
कि ये नहीं कि इस्लाम, ये नहीं कि हिंदू, ये नहीं कि क्रिश्चियनिटी, ये नहीं कि यहूदियत, ये सारे मजाहिब के अंदर जो चमक है आप उसको गौर करेंगे तो पता चलेगा कि अरे भाई ये दुनिया तो बदली हुई है और ये कितने ठेकेदारों ने इसको बदल दिया है, ये सच्चाई तो ये है। इसी तरह से ये भी है कि हर नज़रिया, हर आइडियोलॉजी, हर थ्योरी जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयाँ हैं। इसलिए मैं कभी किसी एक जगह जाकर एक जगह टिकता नहीं हूँ। मैं किसी उर्दू में तमाम ऐसे छोटे छोटे से हलके बने हुए हैं, छोटे छोटे से गिरोह बने हुए हैं और उस उन गिरोहों में फ़ायदे भी हैं लोगों को। उसके अंदर कोई एक आध ठेकेदार भी होता है बहुत बड़ा जो कि ऊपर से फ़ायदा पहुँचाता है, लेकिन मैं अपने आप को सबसे अलग थलग रहा, ये मैं दावा करता हूँ कि मैं अपने आप को मैंने अलग थलग रखा। तो इसलिए आज़ादी से मैं क्रिटिसिज्म या आलोचना का काम आज़ादी से कर सका। मैंने उन लोगों को भी नहीं बख्शा जो कि ठेकेदार बने हुए थे, उन लोगों को भी मैं हाईलाइट किया है जिनको कोई नहीं पहचानते थे। तो मैंने इसलिए किसी एक आइडियोलॉजी और किसी एक थ्योरी को मंजिल नहीं माना। आपका काम जहाँ हमने पहले बात करी कि फेमिनिज्म यानी कि तानिसियत पर भी है, वहीं आपका काम फलसफे पर भी है, वो चाहे मशरिकी फलसफा हो या मगरबी फलसफा हो। फलसफे की जो जानकारी है उससे थ्योरी में या तनकीद में तो बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन फ़लसफ़ा मगरबी फ़लसफ़ा हो या मशरिकी फ़लसफ़ा हो, उस अलूम का शायरी में क्या रोल है? क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी यहाँ मौजूद हैं, क्या शायरी की ज़बान को फ़लसफियाना होना ज़रूरी है, आप मानते हैं ऐसा, या कोरी बात भी या सीधी बात भी कही जा सकती है? और उसमें भी एक खास दूसरी चीज़ यह कि फ़लसफ़े का सच तो फ़लसफ़े के पास है, तो शायरी का सच क्या है? क्या फ़लसफ़े का सच ही शायरी का सच है आपके नज़दीक, या कुछ और है? देखिए, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है और मैं तो अक्सर लिखता भी हूँ कि शायर के लिए हमेशा बाखबरी नुकसान पहुंचाती है। वाह, शायर के लिए कुछ बेखबरी की जरूरत होती है, बाखबरी की जरूरत होती है फलसफी को, फिलोसोफर को, उसको जरूरत होती है नक्काद को, आलोचक को होती है, किसी बड़े थिंकर को होती है, कोई सवाल कर बैठे। लेकिन शायर अगर है तो बहुत सी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें बेखबरी में हुई हैं, और जिसके बारे में अगर शायर से पूछा जाए कि तुमने ये नावल या ये अफसाना, ये भाई नावल तो जाहिर है कि बहुत बड़ा कैनवस होता है नावल का, अफसाने का कैनवस वसी होता है, शायरी का तो ये कविता और नज़्म है एक पेज में आ गई, दो पेज में आ गई, तो वो तो कहेगा सर हाँ ठीक है बहुत अच्छा, मैंने ये लिखी थी। लिखने के बाद उससे कहा भी कि मुझे याद है कि जब ब्राउनिंग से एक नज़्म के बारे में एक उससे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि ये जो नज़्म है तुम्हारी, ये नज़्म मुझे समझ में नहीं आई जी, तो ये इसके बारे में कुछ बता दीजिए कि ये क्या है नज़्म और क्या है। तो उसे एक लम्हे के लिए सोचा, रुके ब्राउनिंग, और मैंने कहा कि देखो भाई बात ये है कि जिस वक्त मैंने ये नज़्म लिखी थी उस वक्त मैं था और मेरा खुदा था, अब मुझे तो याद नहीं रही, खुदा से पूछ लो। तो ये जो बेखबरी है, शायर शऊरी तौर पर कॉन्शसली लिखता है लेकिन वो एक्चुअली अनकॉन्शस होता है लिखते हुए, और वो बाद में जाके अगर उससे पूछा जाए कि तुमने ये नज़्म कैसे लिखी, तो कहकर मुझे याद नहीं आता। और एक वजह यह है कि ये अब फिर नक्काद के पास आदमी जाता है, तो ये बहुत पुरानी फिराक जिसे चाइल्डहुड इनोसेंस कहा करते थे, बहुत पुरानी बहस है ये कि भाई एक फिलासफर राय कायम करता है किसी शायर के बारे में, तो वो उसे बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो कि शायर नहीं जानता जी, और वो उसके बारे में निकालता है। और इसीलिए ग्रीक में, यूनान में शायरों को बहुत घटिया दर्जा पहला अच्छे, यानी सोक्रेटिस ने और प्लेटो ने छठे दर्जे पर रखा था जी, छठा सबसे आखिरी थे, छह दर्जे थे और छठे पर रखा था कि शायर ये होता है।
और वो दिकब्बा होता है, किसी काम का नहीं होता है, हमारी समाज के लिए किसी काम का नहीं है वो, इसलिए उसे शहर से। हाँ कभी कभी कोई शायर आता है, पहले बात ही शहर बदर कर दो शायरों को, अगर कोई आए तो उसका स्वागत करो, फूल पहनाओ, अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, बिठाओ, इज्जत से बिठाओ, और फिर कहो खड़े होकर हाथ जोड़ करके अब आप यहाँ चले जाइए। जी जी जी, मुझे ना कहिएगा प्लीज। तो वो मैं ये बताता चलूं कि अतीकुल्ला साहब की एक किताब है जहाँ पर यूनान और रोम के कदीम फलसफे से लेकर दरीदा तक कि पूरी रवायत के ऊपर एक किताब आपने मरतब की है जिसके ऊपर आपका ख्याल है, और ये सिर्फ उस तरफ का हिस्सा है, मशरिकी शरियात के ऊपर भी जो मशरिक में पुराने संस्कृत शरियात है या संस्कृति संस्कृत फिलासफी है उसके ऊपर भी अतीकुल्ला साहब का काम है। आपका एक बहुत अहम काम है जो कम लोग जानते होंगे, अदबी इस्तलाहत के ऊपर, लिटरेरी टर्म्स के ऊपर। जितने लिटरेरी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं दुनिया भर में उर्दू में और उसमें, उसकी एक लुगत जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं वो आपने आप तरतीब दे रहे हैं, आप उसका एक हिस्सा मंजर आम पर भी आ चुका है। आपको क्यों लगा कि इस काम की जरूरत है? क्योंकि ये काम बड़ा, जिसका अगर मैं आम जबान में कहूँ तो बोरिंग है, किसी के काम का नहीं है, कुछ फिलोसफर या कुछ शायर ढूंढ लेंगे उसे, लेकिन ये काम जानलेवा है, तो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लगा होगा, आपने इस काम की तरफ क्यों तवज्जो दी? दरअसल मैं जब बीए कर रहा था, और बीए में लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर मेरा एक सब्जेक्ट था, फिर इंग्लिश में एमए किया, उर्दू में तो बाद में किया, फिर मैं इंग्लिश में कर रहा था, तो उस वक्त अंदर दिमाग में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी जी। इंग्लिश लिटरेचर की क्रिटिसिज्म की मुझे आई है, लिटरेचर को पढ़ता था समझ में नहीं आता था, मैं एम्सन को पढ़ता था समझ में नहीं आता था, आर्नल्ड को पढ़ता था समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती थी, टर्मिनोलॉजी के बगैर जो है वो हो ही नहीं सकती, क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। तो उस वक्त मैंने उस पीरियड में, हालांकि इधर मैं एग्ज़ाम दे रहा है बीए का, तो इधर मैं एल्बर्ट की हिस्ट्री लेकर बैठ गया जी, जी, जी। और हिस्ट्री लेकर मैंने उसका ट्रांसलेशन शुरू कर दिया जी। मैं बी ए फाइनल में था उस वक्त करने लगा, फिर वो भी अधूरा छूट गया, तो मुझे लगा कि नहीं ये मुझे काम करना चाहिए। तो मैंने उस वक्त बैठा हुआ, यदि मैं एम ए कर रहा था तो उस वक्त मैं कुछ टर्म्स लेकर अपने आप को समझने के लिए वो नोट करता जा रहा था। इसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने महसूस किया कि हमारे यहाँ बहुत, जैसे उसे बॉम्बे की जबान में, मुंबई की जबान में घपला कहते हैं, भाई बहुत घपले हैं इसमें लोग कुछ का कुछ समझते हैं, वो समझते भी नहीं है, लिखते हैं बगैर समझे भी लिखते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे ये काम करना चाहिए जो मुश्किल तरीन काम है, ये कहे थे बोरियत का, लेकिन चूंकि मैं करता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, बिल्कुल स्पिरिचुअल कि मैंने काम कर दिया। एक टर्मिनोलॉजी की गिरह खोलने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई एक अच्छी नज्म लिख दी है जी जी जी। तो मैंने वो काम जो है ए टू डी सिर्फ किया। इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी की किताबें थी मेरे पास जो भी थी वो 200-300 पेज की थी जी। और आज भी हैं वो, उस कड्डन की किताब तो बहुत बाद में आई। तो मैं आपको हैरत होगी कि मैंने उसे ओरिजिनल बुक्स से उसे शुरू किया लिखता, और ओरिजिनल बुक्स से लेकर 700 पेज मैंने एक ए टू डी तक है 700 पेज जी जी। पूरी पूरी डिक्शनरीज हो जाती हैं, वो पहला मेरा वॉल्यूम आया। और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1500 पेजेस की कंपोजिंग हो गई है और अभी जेड आया नहीं है। अतीकुल्ला साहब, आपको यहाँ लव्स ने जो दावत दी वो बतौर शायर, शायर अतीकुल्ला, और जाहिर बात है कि आपने जब, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ आप मुझे ठीक करें, कि जब आप शुरुआती दिनों में लिख रहे थे तो अतीकुल्ला ताबिश के नाम से आप कलाम कह रहे थे, तो यहाँ जितने सामीन बैठे हैं वो अतीकुल्ला ताबिश को भी सुनना चाहेंगे और अतीकुल्ला को भी सुनना चाहेंगे जी। तो आप अपने कलाम से हमें नवाजें जी। मैं जरूर जी बात सुनाऊंगा, बात तो पूरी कर ले जी, बात हो गई साहब।
क्योंकि लोग कलाम सुनना ज्यादा पसंद, आप जैसा कहें मैं वैसा। नहीं, कलाम तो मेरा ख्याल है खड़े होकर सुनाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी जी, आप जैसा मुनासिब समझे। आते हैं जी, और जी नहीं, ये बातें खत्म होने वाली नहीं है, ये बातें बहुत ज्यादा है, बहुत डीप पे जाएंगे। और लेकिन मुझे बड़ा अच्छा, जैसा आपने देखा होगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बातें करते हुए। अगर कुछ अपने हम ख्याल लोग मिल जाते हैं तो जी चाहता है बातें किए जाए और उसको सुने भी, दूसरों की बातें भी सुने। लेकिन बहरहाल जो जब मैं हम बैठे ही थे और खामोशी तारी थी तो मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं कभी ऐसा माहौल पसंद नहीं करता हूँ कि जब बहुत खामोशी तारी हो। हाँ, बामानी खामोशी तो ठीक है, लेकिन वो इंतज़ार की खामोशी थी कि कभी यहाँ ये तो वो इंतज़ार दरअसल ठीक है कि मैं अपने कुछ कलाम से जी, जी, कलाम की बातें कुछ दरमियान में आ जाएंगी जी, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अतीकुल्ला साहब ने गज़ल भी कही, नज़म भी कही, नज़म पाबंद नज़म, नज़म मौर्रा जिसको हम ब्लैंक वर्स कहते हैं, आज़ाद नज़म जिसको हम फ्री वर्स कहते हैं, नसरी नज़म जिसको हम प्रोस पोएम कहते हैं, हर हैयत में अतीकुल्ला साहब ने तजर्बे किए। मैं अतीकुल्ला साहब को बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ कलाम की दावत देता हूँ। अतीकुल्ला साहब, आधा घंटे 20 मिनट वगैरह तो मैं कम से कम कुछ सुनाऊंगा ही। कुछ अशार पहले हम सुना देते हैं, जैसा कि आपने अतीक ताबिश के नाम से कभी हम लिखा करते थे और काफ़ी टाइम वक्त तक लिखते रहे, और फिर बाद में किसी वक्त ये ख्याल गुजरा कि ये ताबिश जो है ये एक मसनूई नाम है जो कि हमने रख लिया है। मेरा नाम तो अतीकुल्ला है। किसी ने मुझसे कहा कि आपको मशहूर होने में बहुत वक्त लगेगा, तो मैंने कहा वक्त लगे तो लगे, अच्छा है, मैं फिर अगर वक्त लगता है तो मैं ज़रा और ज़्यादा मेहनत करूँगा, और ज़्यादा मेहनत से लिखूँगा, तब लोगों के जहन में मेरा नाम जो है वो महफूज रहेगा। तो मैं बराबर उसके बाद जो है सिर्फ अतीकुल्ला के नाम से मैं लिखता रहा हूँ। कुछ उस ज़माने की शायरी, जैसा कि आपने ज़िक्र किया, उस ज़माने की जब मैं अतीक ताबिश के नाम से लिखता था, लेकिन पहला जो कलेक्शन छपा है वो अतीकुल्ला के नाम ही से छपा है। फिर सारे जितने कलेक्शंस हैं, जो किताबें हैं, वो इसी नाम से आती रही हैं। तो कुछ अशार मैं आपको सुनाना चाहूँगा, और इसमें कुछ ज़बान भी आप देखेंगे, कुछ हमारा पीरियड की कुछ झलक भी नज़र आएगी, कुछ ये कह लीजिए कि हमारी जो एक सोसाइटी, हमारी जो एक समझ लीजिए कि एक पागलों का जमघटा है हमारा, जो आज के दौर में तमाम दुनिया भर में जो की जो सूरत हाल है वो ऐसा लग रहा है कि हम पागलों के जमघटों के बीच में हैं, और हम बहुत तन्हा हैं, बहुत अकेले हैं, इंसान बहुत अकेला होता जा रहा है, यही सबसे बड़ा दुख है हमारा। इसमें एक लफ्ज़ है अदम मौजूदगी, इम प्रेजेंस एब्सेंस, एक के बारे में मुझ में खुद, कुछ अशार हैं अलग अलग, मुझ में खुद मेरी अदम मौजूदगी शामिल रही, मुझ में खुद मेरी अदम मौजूदगी शामिल रही, वरना इस माहौल में जीना बहुत दुश्वार था, वरना इस माहौल में जीना बहुत दुश्वार था। चीखता है मेरे आसाब में, मेरी नर्व्स में चीखता है, मेरे आसाब में धरती का बदन चीखता है, मेरे आसाब में धरती का बदन, कितना प्यासा हूँ मुझे खोद के देखा जाए, कितना प्यासा हूँ मुझे खोद के देखा जाए, और उम्र सर्कस के किसी शेर के मानिंद कटी, उम्र सर्कस के, इसमें एक लफ्ज है ताजियाना इन हंटर, उम्र सर्कस के किसी शेर के मानिंद कटी, ताजियानों के निशान कैसे मिटाए कोई, ताजियानों के निशान कैसे मिटाए कोई, और रस्सी लटक रही है ये खौफ का समा जो है, रस्सी लटक रही है गले को न भींच ले, रस्सी लटक रही है गले को न भींच ले, खंजर चमक रहा है
बदन में उतर ना जाए, वाह खंजर चमक रहा है बदन में उतर ना जाए, मुंह फाड़ती हैं घर की दराड़ें इधर उधर, मुंह फाड़ती हैं घर की दराड़ें इधर उधर, एक कह कहा कि जैसे फजा में बिखर ना जाए, एक कह कहा कि जैसे फजा में बिखर ना जाए, मैं किसी चीख का अंकुर था कि इस जंगल में, मैं किसी चीख का अंकुर था कि इस जंगल में, जिस जगह फूट के निकला हूं वहीं शोर हुआ, वाह वाह वाह, मैं किसी चीख का अंकुर था कि इस जंगल में, जिस जगह फूट के निकला हूं वहीं शोर हुआ, और देख नजारा इसको कहते हैं, देख नजारा इसको कहते हैं, पाँव पे सिल है जेरे पाहू में, वाह वाह, पाँव पे सिल है उसके नीचे हूं मैं, पाँव देख नजारा इसको कहते हैं, पाँव पे सिल है जेरे पाहू में, और दौर उसकी रवानगी का था, दौर उसकी रवानगी का था, रवानगी का था हर तरफ से गुजर गया हूं मैं, वाह, दौर उसकी रवानगी का था हर तरफ से गुजर गया हूं मैं, और जमीन पे आग लगी है मैं उल्टा लटका हूं, जमीन पे आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है मैं उल्टा लटका हूं, कोई दरख्त से मुझको उतारता भी नहीं, कोई दरख्त से मुझको उतारता भी नहीं, और तोड़ ले अपने सभी लम्स के रिश्ते मुझसे, तोड़ ले टच के, तोड़ ले अपने सभी लम्स के रिश्ते मुझसे, ताकि महसूस ना हो उम्र बहुत लंबी है, ताकि महसूस ना हो उम्र बहुत लंबी है, एक बहुत ही नाजुक सा रूबानी शेर है जो बीच बीच में कभी आ जाते हैं इस तरह के शेर शेर भी, कैसे अब तोड़ लिया जाए ताल्लुक उससे, कैसे अब तोड़ लिया जाए ताल्लुक उससे, अपनी आदत के खिलाफ उसने मोहब्बत की है, वाह वाह वाह, कैसे अब तोड़ लिया जाए ताल्लुक उससे, अपनी आदत के खिलाफ उसने मोहब्बत की है। अब ये दो तीन नज़में आपकी नजर करता हूँ सर, वो शेर भी सुना दीजिए, सड़क पे भीड़ जमा थी तमाशबीनों की, हाँ वो तो याद कुछ नहीं आ रहा तमाशबीनों की, लेकिन ये शेर जो आपने सुनाया था वो मैं दोबारा सुनाता हूँ, मैं एक कांच का परतौलता परिंदा था, मैं एक कांच का परतौलता परिंदा था, उड़ान भरने से पहले ही छन से टूट गया, उड़ान भरने से पहले ही छन से टूट गया, ये एक एक दुआ के नन्हे जर्रे में इसका टाइटल है, एक दुआ के नन्हे जर्रे में, मेरे दिल के ताक में उसकी यादें उजली उजली, मेरे दिल के ताक में उसकी यादें उजली उजली, रह रह कर बजती रहती है मेरी एक एक पसली, रह रह कर बजती रहती है मेरी एक एक पसली, रात के बदले दिन लेता हूँ दिन के बदले रात, रात के बदले दिन लेता हूँ दिन के बदले रात, उसके आगे अपने करदा और ना करदा सारे गुनाहों का लेखा जोखा रख देता हूँ, उसके लफ्ज़ों के मानी में खुद को ढूंढा करता हूँ, उसके लफ्ज़ों के मानी में खुद को ढूंढा करता हूँ, उसकी नींदों में चलता हूँ उसके ख्वाबों के आंगन में पहरों दौड़ा करता हूँ, उसके शोलों में जलता हूँ उसकी शबनम में खिलता हूँ, उसकी सांसों पर सर रख कर गहरी नींदें सोता हूँ, अपनी सारी दर्जों को उसके नूर से भर देता हूँ, एक दुआ के नन्हे जर्रे में सारी उम्र खपा देता हूँ। वाह
बहुत टाइम दे दिया आपने। ये एक जज्ब है जो कि खास तौर पर मजबे के सामने सुनाना चाहूंगा। ये नज़्म है, मेरा जी चाहता है। मेरा जी चाहता है, मेरा जी चाहता है, मेरा बेटा एक एक करके एक एक मेरी शरारत मेरे ही मानिंद दोहराए। मेरा जी चाहता है, मेरा बेटा एक एक मेरी शरारत मेरे ही मानिंद दोहराए। कभी चलते हुए अपने किसी साथी को धक्का दे, कभी पत्थर उछाले और कभी मिट्टी में रुल जाए, कभी कीचड़ में लिथड़े और कभी पेड़ों पर चढ़ जाए, किसी के बाग में घुसकर कभी फूलों को छेड़े और कभी कुछ फल चुरा लाए। मेरा जी चाहता है मेरा बेटा, मेरा जी चाहता है उसके होठों पर कभी ऐसी हंसी देखूं। मेरा जी चाहता है उसके होठों पर कभी, आज के स्कूल से इजाज़त नहीं देते हैं, टाइम नहीं है उनके पास, हंसते का भी टाइम नहीं है, उसके होठों पर कभी ऐसी हंसी देखूं कि जिसको देखकर पत्थर भी नम होने लगें, किलकारियां भरने लगे, ठहरा हुआ पानी चमक उठे मेरे चारों तरफ की काली काली भुरभुरी मिट्टी। मैं उसको इस तरफ से उस तरफ तक दौड़ता देखूं और उसके साथ एक एक पेड़, एक एक फूल, तारे, चांद, सूरज सबके सब बांधे हुए सफ दौड़ते जाएं और उसको देखकर सब मुस्कुराएं और दुआएं दें। हजारों और लाखों साल तक दुनिया इसी नशे में झूमे, गुनगुनाए और ताज़ा दम रहे। मेरा जी चाहता है, मेरा जी चाहता है। एक ये बहुत ही निजी सी नज़्म है जो कि ज़रा बड़ी भी है, लेकिन इसमें बहुत सी बातें आ गई हैं। बड़ी नज़्म, बहुत दिनों से, अच्छा एक छोटी नज़्म, एक मिनट, मैं ये भी बड़ी नज़्म है तो ये लफ्ज बोलते हैं, शायर कहता है और हर शेर के बाद उसे मरना पड़ता है। शायर कहता है और हर शेर के बाद उसे मरना पड़ता है। हर मौत के बाद उसकी ढीली ढाली जेबों से नज़्मों की पुड़ियां निकलती हैं। टूटे मुड़े कागजों में टेढ़े मेढ़े मिसरे लिखे होते हैं। धूल से अटे हुए उसके लंबे कोट में भरा होता है पूरा एक माजी, जगह जगह से उधड़ा हुआ कटा फटा, जिसकी पैबंदकारी करते करते उसकी उंगलियां छिल जाती हैं, जिसकी पैबंदकारी करते करते उसकी उंगलियां छिल जाती हैं। आँखों में तीलियां चुभने रखती हैं, वो हमेशा खामोश रहता है, सिर्फ उसके लफ्ज बोलते हैं। वो हमेशा खामोश रहता है, सिर्फ उसके लफ्ज़ बोलते हैं। लफ्ज़ कभी कभी चीखने भी लगते हैं, उनकी चीख से किसी के कान नहीं फटते, ज़मीन का पहिया नहीं रुकता, कुछ इधर से उधर नहीं होता, फिर भी लफ्ज़ बोलते हैं, कभी कभी चीखते भी हैं। ये भी एक मुख्तसर सी छोटी सी नज़्म है। कलम जागता है, मैं अपने लफ्ज़ों में ज़िंदगी जीता हूँ, मैं अपने लफ्ज़ों में ज़िंदगी जीता हूँ, अपने लफ्ज़ों में मरता हूँ, अपने लफ्ज़ों में तुलू होता हूँ, बार बार मरता हूँ, बार बार तुलू होता हूँ, अपने लफ्ज़ों में दिन करता हूँ, अपने लफ्ज़ों में रातें होती हैं। जब मैं सोता हूँ मेरा कलम जागता है, मैं जब सोता हूँ
میرا قلب جاگتا ہے میرے لفظ ہر حصار توڑ دیتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں جدھر دیکھنے کی تاب کم ہی کو ہوتی ہے وہ بہت کچھ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں پانی جی سوری تھینک یو جب میں سوتا ہوں میرا قلم جاگتا ہے میرے لفظ ہر حصار توڑ دیتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں جدھر دیکھنے کی تاب کم ہی کو ہوتی ہے وہ بہت کچھ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جنہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ سن لیتے ہیں جنہیں کوئی نہیں سن سکتا فٹ پاتھ پر سویا ہوا آدمی میری نظم میں جاگتا ہے فٹ پاتھ پر سویا ہوا آدمی میری نظم میں جاگتا ہے میری نظم میں جاگتی ہے وہ عورت جسے کاٹ کی پتلی بنا کر کچن کے تاک میں بٹھا دیا گیا ہے اس بچے کی پسلیاں اپنے سینے میں کھپتے ہوئے محسوس کرتا ہوں جس کی ساری روٹیاں شہر کا ایم پی ایک ہی لقمے میں ہڑپ کر گیا جی تو غزل سواد ٹھیک ہے لیجیے کیونکہ زیادہ تر تو دل کی دکھڑے اور زمانے کے دکھڑے زیادہ ہیں اس لیے آپ سوچ رہے ہیں آپ کے غزل میں شاید کوئی بات نکل آئے تو مشکل ہے ایسی بات نکلنا میری غزل میں لیکن میں غزل سناتا ہوں جی یہ کس نجات کا تو راستہ بتاتا ہے یہ کس نجات کا تو راستہ بتاتا ہے ہر ایک راستہ دوزخ کی سمت جاتا ہے یہ کس نجات کا تو راستہ بتاتا ہے ہر ایک راستہ دوزخ کی سمت جاتا ہے اور یہ ہمارے دور کی یہ بدنصیبی ہے میں بار بار گراٹیں لگائے جاتا ہوں میں بار بار گراٹیں لگائے جاتا ہوں بجا بجا کے کوئی ڈگ ڈگی نچاتا ہے بجا بجا کے کوئی ڈگ ڈگی نچاتا ہے میں بار بار گراٹیں لگائے جاتا ہوں بجا بجا کے کوئی ڈگ ڈگی نچاتا ہے اور یہ اذیتوں کے یعنی تکلیفوں کے اذیتوں کے ہنر سے وہ باخبر ہے بہت اذیتوں کے کس طرح تکلیف دی جا سکتی ہے اذیتوں کے ہنر سے وہ باخبر ہے بہت روانہ ہونے سے پہلے گلے لگاتا ہے روانہ ہونے سے اذیتوں کے ہنر سے وہ باخبر ہے بہت روانہ ہونے سے پہلے گلے لگاتا ہے وہ چاہتا ہے کتابوں میں اس کا نام آئے وہ چاہتا ہے کتابوں میں اس کا نام آئے وہ چاہتا ہے کتابوں میں اس کا نام آئے محبتوں میں روایت کے رنگ لاتا ہے محبتوں میں روایت کے رنگ لاتا ہے اور یہ شعر سنیے کہ میں بار بار لگاتا ہوں جست اس کی طرف یعنی چھلانگ میں بار بار لگاتا ہوں جست اس کی طرف وہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں سر سر آتا ہے وہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں غزل میں ایسے لفظ لانا بہت آسان بات نہیں ہے وہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں سر سر آتا ہے اور اسے یہ کیسے بتاؤں کہ ہے اکارت سب اسے یہ کیسے بتاؤں کہ ہے اکارت سب خطوط لکھتا نہیں انگلیاں جلاتا ہے خطوط لکھتا نہیں انگلیاں جلاتا ہے ایک شعر ایک غزل خاص طور پر یہ آپ کے 20 منٹ ہو گئے کہ نہیں
طور سے کچھ غزلیں میں نے نوٹ کی تھیں, اس سلسلے سے میں نے سنائی نہیں, لیکن اچھا یہ ایک نظم سنیے جو مجھے بہت عزیز ہے اور یہ اکثر یہ ہوتا ہے. گلی میں گہرا اندھیرا تھا, گلی میں گہرا اندھیرا تھا, اندھیرے کی لاٹھی کو تھامے ہوئے چور قدموں سے ہم نے اپنی راہ لی تھی. یہ کبھی بچپن میں پانچ چھ سال کا تھا میں, اس وقت جو چیز ہانٹ کرتی رہی اور وہ نظم کی طرح اگل کر آئی. گلی میں گہرا اندھیرا تھا, اندھیرے کی لاٹھی کو تھامے ہوئے چور قدموں سے ہم نے اپنی راہ لی تھی. ہم اتنی جلدی میں تھے کہ اپنے پاؤں کے نشان تو بریف کیسوں میں بھر لیے مگر پاؤں وہیں چھوڑ دیے. ہم اتنی جلدی میں تھے کہ اپنے پاؤں کے نشان تو بریف کیسوں میں بھر لیے مگر پاؤں وہیں چھوڑ دیے. ابو نے اپنا عینک بکسے میں رکھ لیا, آنکھیں میز کی درزی میں چھوڑ آئے. ابو نے اپنا عینک بکسے میں رکھ لیا اور آنکھیں میز کی درزی میں چھوڑ آئے. اماں نے امام زامن میرے بازو میں باندھا اور جلدی میں میرے بازو گلی کے نکڑ پر ہی چھوٹ گئے. اور جلدی میں میرے بازو گلی کے نکڑ پر ہی چھوٹ گئے. ٹرین ابھی پلیٹ فارم پر ہی لگی تھی, لوگ ایک دوسرے کو روندتے ہوئے بھاگے جا رہے تھے کہ سب کے سب جلدی میں تھے. ہم اتنی جلدی میں تھے, اور جلدی میں اکثر ایسا ہوتا ہے, مصلے یعنی جائے نماز جس میں نماز پڑھی جاتی ہے, مصلے ہمارے ساتھ تھے اور نمازیں وہیں بھول گئے. مصلے ہمارے ساتھ تھے اور نمازیں وہیں بھول گئے. تاقوں میں دھری کی دھری رہ گئیں دعائیں اگر بتیاں اور لوبان. بیوی نیندیں رکھنا بھول گئی, بیوی نہ نیندیں رکھنا بھول گئی, گما دیے تھے اس نے سارے خواب اور لے آئی تھی اپنے ساتھ حیرت زدہ سنسان آنکھیں. ہم اتنی جلدی میں تھے کہ ہمارے صندوق دوسروں کے صندوق سے بدل گئے. ہم اتنی جلدی میں تھے کہ ہمارے صندوق دوسروں کے صندوق سے بدل گئے. جن میں تھی ذلتیں ہجرتیں در در کی ٹھوکریں لمبے اور لمبے ہوتے ہوئے خوف کے دیو. چلتے چلتے کسی نے ایک گٹھری تھما دی تھی. گٹھری کیا تھی؟ ایک امانت تھی. بھاگتے اور سنبھالتے ہوئے ہمارے سروں سے گر پڑی اور اس سے باہر نکل آئیں چیخیں بھوک بچوں کی یتیمی کٹی پھٹی عصمتیں. ایک پڑوسی جو اسی دوڑ میں ہمارے ساتھ تھا اپنی ہنسی ایک دھول بھرے بستر میں چھوڑ آیا. ایک پڑوسی جو اس دوڑ میں ہمارے ساتھ تھا اپنی ہنسی ایک دھول بھرے بستر میں چھوڑ آیا. جیسے ہم اپنی مسکراہٹیں بھول آئے تھے کہ ہم اتنی جلدی میں تھے. بہت اچھا لگا. آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. آپ سب کا لفظ کے ادارے لفظ کا, اور انشاءاللہ پھر موقع ملے گا کسی وقت تو پھر بیٹھیں گے, اور یہ موقع زندگی میں آئیں تو یہ ہم سب کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب میں افرا صاحبہ سے گزارش کروں کہ آپ آئیں اور شکریہ ادا کریں. بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس 5 منٹ ہیں سوال جواب کے, اگر کوئی کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہے. جی, سب سے پہلے تو میں اپنی جانکاری کے ابھاؤ کے لیے کھما چاہوں گا, لیکن میرا پرشن اس بات سے جڑتا ہے کہ آپ نے ابھی ساہتیہ سرجن کے سندربھ میں یہ کہا, بے خبری اور باخبری والی بات آپ نے کی. جہاں تک میں تھوڑا بہت جانتا ہوں اپنے ہندی ساہتیہ کو, تو آج جو لکھا جا رہا ہے وہ بے خبری میں تو شاید کوئی لکھ ہی نہیں سکتا, باخبری میں سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں. اور وہ جو ایک دیوی کچھ شکتی آپ سے لکھواتی تھی وہ بات ہم لوگ بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں. کیا اردو میں بھی آج ایسا ہی ہے؟ اور آپ اگر یہ مانتے ہیں تو پھر وہ جو بے خبری والی بات ہے اس کے تار کہاں جڑتے ہیں؟ دیکھیے, یہ لٹریچر تو لٹریچر کے بیچ میں آپ حصار بندی نہیں کر سکتے کہ یہ اردو میں
क्या ऐसा हो रहा है या हिंदी में, हिंदी में दरअसल हिंदी में भी मैंने आपसे अर्ज किया कि हम जब लिखते हैं तो कॉन्शियसली लिखते हैं, आप सुना नहीं शायद, है ना, कॉन्शियसली लिखते हैं, लेकिन वो होता यह है कि जब बाद में आखिर तक पहुंचते हम अनकॉन्शियस बीच में हो जाते हैं और वो जाकर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि जहां हमें खुद पता नहीं चलता कि कैसे हो गई है, ये कैसे हुई है, ये इसीलिए इसीलिए उसे क्रिएशन कहते हैं। क्रिएशन, बच्चा पैदा होता है, माँ नहीं बता सकती कि कैसा होगा, ये आप नहीं बता सकते। इस तरह आप तख्लीक के बारे में ये कहें कि सर वो राइटर बहुत पढ़ा लिखा और बाखबर है और वो सब हिंदी में लिखा जा रहा है, तो आप यकीन जाइए कि वो बहुत 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 अच्छा लिखेगा वो, लेकिन उस वो जज्बे की चमक और इमोशंस की चमक उसके अंदर कम से कम होती जाएगी। जो आदमी अगर 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 वो इल्म के जरिए, नॉलेजेस के जरिए, बाखबरी के जरिए लिखना चाहेगा, उसे विजन बनता है हमारा, और विजन मजमूई तौर पर विजन बनता है, और विजन जो है वो आपको बाखबरी बेखबरी के बावजूद एक तरह से लगता है कि बहुत बाखबर है। मैं एक वाक्य आपको सुनाऊं कि सुकरात जो है वो बहुत आयरनिकल था, और बहुत आयरनी कि साहब मैं कुछ नहीं जानता, मैं मुझे कुछ नहीं आता, कोई पूछता था कि भाई आप ये बताइए तो कहते कुछ नहीं आता मुझे, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया करता था, बहुत आयरनिकल स्टेटमेंट हुआ था, मैं जाहिल आदमी हूँ ये कहकर। तो लेकिन यह था कि फिलासफर्स जो थे, जो एस्थेटिशियंस हैं, वो लोग सर से उठाए हुए चलते थे और दूसरे शायर और अदीब वगैरह को कहते थे कि ये एक बेवकूफ़ आदमी जा रहा है, ये नाकारा है, किसी काम का नहीं है, थोड़ी कुछ समझता नहीं है। तो वो कहते थे शायर के, नहीं हम तो बिल्कुल समझते हैं, हम तो बिल्कुल कॉन्शियसली लिखते हैं, हम तो जानते हैं कि हमने क्या लिखा है। और तो सुकरात ने कहा, सोक्रेटिस ने कहा कि भाई ठीक है, एक महफिल थी, उसमें सब लोग आए हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई देखो फिलासफर्स भी हैं, शायर भी हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि ये शायरों से कहते हैं आप तो कलाम सुनाइए, और ये फिलासफर्स बैठे हैं ये उन पर पहले तो अपने अपने इंटरप्रेट करें अपनी शायरी पर, अपनी नज्म पर, अपनी कविता पर, और फिर फिलासफर उस पर राय देंगे। तो साहब हुआ ये कि शोरा ने कलाम खानी की, कलाम सुनाए, और उस वो उसके बाद फिर उनसे कहा कि आप बताइए, तो उन्होंने अपने उसके जो मीनिंग्स बताए, जो इंटरप्रिटेशन किया, तो वो छोटा मोटा इंटरप्रिटेशन, ज़्यादा कुछ कह नहीं पाए, बस जो बातें थी ऊपर ऊपर की कह दी उन्होंने। अब जो फिलासफर्स और एस्थेटिशियंस थे, उन्होंने जो बातें करना शुरू की, ज़मीन आसमान एक कर दिया, ये यूं थी, ये कविता यूं थी, इस कविता में ये वर्ड यूं थे, और फिर उसकी वजह से सोक्रेटिस को ये कहना पड़ा कि नहीं, लिखने वाला जो लिखता है वो तमाम अंदर की चीज़ें, उसके जो अंदर जो सब स्ट्रक्चर्स हैं उस कविता के, उसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं रखता, वो दूसरा ही जानकारी रखता है। इसलिए ये कहना कि सब शायर ही इंटरप्रिटेशन अच्छी तरह कर सकता है, आप करके देख लीजिए किसी शायर से, तो वो आलोचक की तरफ देखेगा, आलोचक उसकी तरफ देखेगा कि भाई वो कहेगा कि भाई ये क्या है, तो आप ही कहेंगे कि इतना ही पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत अच्छी शायरी कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना एक अलग चीज़ है, और शायर होना एक अलग चीज़ है, शायर होने के बाद पढ़ा लिखा होता है वो, जो पढ़ा लिखा होता है ज्ञान, आप कहें साहब के अज्ञेय के बारे में, तो अज्ञेय के बारे में पहले थे वो, बेसिकली शायर थे, क्रिएटिव राइटर थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, तो पढ़े लिखा होना तो बात की बात है, पहले तो शायर हो गए ना पैदा, तो ये चीज़ है बड़ा मुश्किल। वैसे भी शायरी के बारे में कहा जाता है ना कि शायरी या तख्लीक जो है वो या तो जहालत में पैदा होती है या सब कुछ पढ़कर भूल जाने में पैदा होती है, तो कुछ सब कुछ याद रहे तो शायरी होती नहीं। कोई और सवाल? आपने लिटरेचर में भी इंग्लिश लिटरेचर में भी एमए किया? जी जी, मैंने वही किया जी। तो क्या फिर कभी अंग्रेजी में भी लिखा, और या ये जो कुछ आपने उर्दू में लिखा उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, या उसकी उसे आपने अपने ख्याल को जी में बयान किया? देखिए ऐसा है कि ट्रांसलेशन तो हुए किए हैं, दूसरों के किए, लेकिन ये कि अपना ट्रांसलेशन तो नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने किए हैं, और मैं समझता हूँ कि कितनी भी हम दूसरी जबान के बारे में जानते हों, हमारी जबान जाननी चाहिए, हिंदी हिंदी तो हम सब एक ही हैं, मैं हिंदी में सोचता हूँ, ये नहीं कहूँगा कि नहीं सोच सकता, नो,
تو یہ سب ہندی، یہ میں نے جو تصویر سنائی آپ اسے ہندی کر دیجئے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہندی میں نہیں ہے، تو وہ بات الگ ہے، لیکن ایک دوسری زبان جو ہے اس میں اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو سوچنا ہے، جو وہ سوچنے کا جو عمل ہے، وہ تو آپ کی اپنی مادری زبان سے کس طرح جڑا ہوا ہوتا ہے، یا اپنے دیش کی زبانیں میں اگر فرض کی جا مراٹھی جانتا تو شاید میں خالی اچھی شاعری کر سکتا ہوں، لیکن انگریزی شاعری یا دوسری یورپین لینگویج میں اتنی اچھی مشکل ہے بات کرنا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا سوال تھا یہ. بہت بہت شکریہ. اب میں آمنترت کرنا چاہوں گی شریمتی سنیتا شیکھاوت جی کو کہ وہ یہاں پر آئیں. سنیتا جی احساس وومن آف جے پور کا حصہ ہیں، کہ وہ آئیں اور ہماری طرف سے میمینٹوز پردان کریں. زوردار تالیوں کے ساتھ پروفیسر عتیقاللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری طرف سے عادل صاحب کو بھی. بہت بہت شکریہ. اب میں آمنترت کرنا چاہوں گی سدھیر ماتھر سنستھان سے شری سدھیر ماتھر جی کو کہ وہ آ کر فارمل ووٹ آف تھینکس پروپوز کریں. شکریہ اپرا صاحبہ، بہت بہت دھنیواد اور شکریہ پروفیسر عتیقاللہ صاحب، آپ کے پیارے لفظوں کے لیے، آپ کے شعر شاعری کے لیے. ایسا لگ رہا تھا کہ بس سنتے ہی جائیں آپ کو. بہت بہت شکریہ. میں شکریہ پربھا کھیتان فاؤنڈیشن کو دیتا ہوں لفظ کو جے پور میں لانے کے لیے، اور اس کے لیے اسپیشل شکریہ ہمارے سندیپ بھٹوریا صاحب کو دیتا ہوں جو میرے کلچر گرو ہیں. اس کے ساتھ ریکتا فاؤنڈیشن، ہمارے احساس وومن آف جے پور سنیتا جی بیٹھی ہیں، کلثوم جی نہیں آ پائیں، اور اپرا کچل صاحبہ میری بہن سامنے ہیں، اور شکریہ جی ایم ہلٹن ہوٹل کے اور ان کے اسٹاف کا اور ان کی ٹیم کا جو اتنا بڑی ارینجمنٹ کرتے ہیں ہمارے لیے ہمیشہ، اور ہمارے میڈیا دوستوں کا جو ہمیں پورا سپورٹ دیتے ہیں ہر ایونٹ کے لیے، اور لاسٹلی بہت بہت شکریہ ہمارے سارے دوست اور آڈینس جن نے آج شام کی محفل سجائی ہے. بہت بہت شکریہ. شکریہ سدھیر جی. ہمارے پاس اردو کی کتابیں یہاں پر اویلیبل ہیں، اگر آپ کو اردو سمجھ آتی ہے، اردو پڑھنے کا شوق ہے، تو ضرور لیجئے اور انہیں آٹوگراف کرائیے سر سے.